विवादों से जेएनयू का नाता छूट ही नहीं रहा है। मौका कोई भी हो, जेएनयू में विवाद ना हो ये हो नहीं सकता। इस बार एक ऐसी वीडियो सामने आई है जेएनयू की जिसने सारी हदें पार कर दी। इस वीडियो में एनएसयूआई के बैनर तले एक पुतला जलाया गया, लेकिन पुतले में रावण नहीं था, देश के प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया जा रहा था। इस पुतले में 10 सिर थे, ऐसे में पीएम के साथ अन्य 9 सिरों की जगह योग गुरु बाबा रामदेव, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, नाथुराम गोडसे, महंत आदित्यनाथ, आसाराम और साध्वी प्राची के चेहरे लगाए गए थे। साथ ही छात्रों ने स्लोगन लिखे हुए थे, बुराई पर सत्य की जीत होकर रहेगी। इस मौके पर मोदी और अन्य चेहरों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। ये पुतला कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने जेएनयू परिसर में सरस्वती ढाबा के पास जलाया, जहां सैकड़ों छात्र थे। इस घटना से एक बार फिर जेएनयू विवादों में घिरती नजर आ रही है। एनएसयूआई तक ने जेएनयू के छात्र विंग को नोटिस जारी किया है, तो वही पीएमओ भी इस घटना पर नाराज है। वही आईबी ने दोबारा से जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियों पर चिंता जताई है। पीएमओ ने मामले में गृह मंत्रालय और एचआरडी से स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन जो भी हो, जेएनयू और विवाद का साथ छूट ही नहीं रहा है, और विवाद से एजुकेशनल संस्था राजनीति का अड्डा बनता नजर आ रही है।